खबर बाराबंकी से, जहां पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में नकली नोट बनाने वाले एक सात्र गिरोह का बाराबंकी पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बताते चले कि थाना सत्रिक पुलिस टीम ने एक जनसेवा केंद्र संचालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। नकली नोट ज्यादातर बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर आदि जिलों में सप्लाई किए जाते थे। अपराधियों के पास 2,11,000 रुपए के भारतीय नकली नोट व लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर व एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने अपराधियों को जेल भेज दिया है। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार वर्मा, उप निरीक्षक पशुपतिनाथ तिवारी, हरिश्चंद्र यादव, सूरज जायसवाल सहित आदि लोग मौजूद थे। देखिए इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने क्या कुछ कहा। बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में एक गैंग पकड़ा गया है जो फूट रचित भारतीय करेंसी को स्कैन करके बनाता था और मार्केट में सप्लाई करता था। ये गैंग कई सालों से इसमें काम कर रहा था। अभी ये पकड़ा गया है। इसमें चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 2,11,000 रुपये बरामद हुआ है। और ये लगातार एक नोट को स्कैन करते थे कंप्यूटर में और उसके बाद उसको स्कैन करके प्रिंट करते थे A4 साइज के पेपर पे। प्रिंट करने के बाद ग्राहक ढूंढते थे, लोगों को टारगेट करते थे, उनको ग्राहक ढूंढते थे तो तीन गुना में वो सप्लाई कर देते थे। एक जैसे 10,000 रुपये उन्होंने ओरिजिनल रुपये ले लिए और उसके एवज में 30,000 रुपये उसको दे देते थे फेक करेंसी के रूप में जो मार्केट में वो खपाते थे। इसी तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में फेक करेंसी सप्लाई कर रहे थे। अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर आदि जनपदों में इनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और फेक करेंसी की सप्लाई हो रही थी। अभी ये गैंग पकड़ा गया है। इसके चार साथी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कागज, मोबाइल फोन और 2,11,000 रुपये कूटरचित भारतीय करेंसी बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार किया गया है और अब जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। 30,000 रुपये इनाम दिया।